वेलकम टू शुभास किचन। आज हम बनाने वाले हैं फ्लैक्स सीड्स की चटनी, या कह सकते हैं कि अलसी जो होती है उसकी चटनी। आप देख सकते हैं ये फ्लैक्स सीड्स, यहाँ पे मैंने करीबन लिया है 200 ग्राम फ्लैक्स सीड्स। ये है इंग्रेडिएंट। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहे, रेसिपीज जो है आप उसका लाभ उठाते रहे। शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी जो है इन रेसिपीज से लाभ उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, रेसिपी जो है अलसी की चटनी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम अलसी। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच नमक, अब ये स्वाद अनुसार रहने वाला है। यहाँ मैंने 15 से 20 जो है लहसुन की कलियाँ ली है, और अगर आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, और हम ये रॉ ही यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 15 से 20 लिया है। 1 चुटकी हींग, और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 जो है सूखी मिर्च। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आप इस तरह की जो है फ्लैक्स सीड्स की चटनी बनाकर रख देते हैं, और दिन में करीबन इसकी 4 टेबल स्पून अगर आप खाते हैं, कैसे भी तरह खा सकते हैं, जैसे कि अगर आप खाने में चावल के साथ खा सकते हैं, और मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि किस तरह आप जो है इस चटनी को अलग रोटी के साथ बना के लिए बनाकर खा सकते हैं। तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ये वेट लॉस के लिए भी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बनाऊँ ये वीडियो, ताकि वेट लॉस और हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। ओमेगा फैट 3 होता है इसमें, और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। पर अभी हम जो है फिलहाल इसका रेसिपी जो है देखते हैं चटनी का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पैन, इसे ऑन कर देंगे। पैन ऑन कर दिया है, अब हम जो है उसमें ये फ्लैक्स सीड्स जो मैंने लिए हैं वो पूरा डाल देंगे, और मीडियम आंच पे करीबन इसको जो है हम रोस्ट होने देंगे। मैं इसे करीबन 2 से 3 मिनट तक जो है इसे रोस्ट करने वाली हूँ। इनका कलर चेंज होने तक हमें करना है, और कलर चेंज होगा और जैसे ही ये फ्लैक्स सीड्स जो है कुक हो जाते हैं, ये अपना ऑयल रिलीज करते हैं और ये जो है क्रैकल होना शुरू करते हैं। तो करीबन 2 मिनट तक तो हमें इसे हाथ चलाते हुए जो है इसे रोस्ट करना है। मैं करीबन 2 मिनट में इसे पका चुकी हूँ मीडियम आंच पर। आप देख सकते हैं क्रैकलिंग साउंड आ रहा है और रंग बदल गया है, और ये अपना ऑयल रिलीज कर रहा है। मैं करीबन इसे और 30 से 40 सेकेंड जो है इसे रोस्ट करने वाली हूँ। अभी 30 से 40 सेकेंड हो चुके हैं। अभी इसमें हम जो है इन्हीं इसमें फ्लैक्स सीड में ही हम जो है मिर्ची जो है तोड़ कर डाल देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह ये जो है क्रैकल होता है, इसलिए इसमें हाथ जो है हल्के से चलाते रहना ज़रूरी है। अभी मैंने गैस को जो है वो सिम पर कर दिया है, आप देख सकते हैं। इस रेसिपी में ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि फ्लैक्स सीड या अलसी जो होती है वो अपना ऑयल रिलीज करती है। आप देख सकते हैं हल्का सा जो है, ये देखिए ये जो चिपक रहे हैं वो उसके ऑयल से ही चिपकते हैं। और ओमेगा 3 फैट होता है, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए ये प्रोटीन का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इवन जो है आप प्रिफर कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा वेट लॉस के लिए, चाहे आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, या आप अगर आप लग रहा है आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस तरह से जो है बनाकर खा सकते हैं। तो अब हम जो है गैस को टर्न ऑफ करेंगे, और उसे ये देखिए इस तरह से जो है मिर्ची के ऊपर जो अलसी है वो हम जो है डालकर रख देंगे, ताकि मिर्ची जो है पूरी तरह से अच्छे से रोस्ट हो जाए, और हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये रूम टेम्परेचर पर आ गया, मैंने मिक्सर जार में निकाल लिया है। अब हम जो है इसमें डालेंगे लहसुन, हींग और नमक। नमक जैसे मैंने कहा स्वाद अनुसार रहने वाला है। अब हम जो है इसे फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, तैयार है हमारी वेट लॉस रेसिपी फ्लैक्स सीड्स की चटनी। तो अब मैं बताऊंगी आपको किस तरह से खाना है। सबसे पहला फॉर्म तो रहेगा ये रॉ फॉर्म है। आप जो है कुक्ड राइस है, अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप जो है आप एक बाउल जो है ब्राउन राइस ले सकते हैं। उस ब्राउन राइस में आप जो है इस फ्लैक्स सीड्स के 2 टेबल स्पून ऐड कर, क्योंकि इसमें आप अगर आप ये ऐड करेंगे तो नमक
और तेल ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो वो आप ब्राउन राइस में इसको 2 चम्मच मिलाकर आप खा सकते हैं। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, वो है सबसे पहले हम जो है यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच, जैसे मैंने कहा कि 4 चम्मच जो है कंपलसरी है, तो जो 2 चम्मच हम लेंगे, और उसमें हम जो है कर्ड, ये स्किम मिल्क कर्ड हम यूज़ करने वाले हैं। ये फिलहाल मैं भी यूज़ कर रही हूँ, मैं भी वेट लॉस प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपको मैं भी हेल्प हो जाएगा इस रेसिपी का, तो इसे मैंने बनाया है बिल्कुल इस तरह से। और ये जो है, ये जो कर्ड है, ये जो दही है, वो गाय के दूध की दही है और स्लिम मिल्क है। तो देखिए इस तरह से आप जो अगर लिक्विड करते हैं, तो आप ये आपको चाहिए तो और लिक्विड कर सकते हो, आप इसे ड्रेसिंग की तरह सलाद पर डाल के भी खा सकते हैं, या और जो है आप अगर एक रोटी प्रेफर करते हैं तो फिर आप रोटी के साथ इसे चटनी की तरह भी खा सकते हैं। अगर तो फिर ये था 2 तरीके कि किस तरह आप जो है फ्लैक्स सीड्स की चटनी आप जो है खा सकते हो, अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, चाहे आप डाइटिंग कर रहे हो या ना कर रहे हो, बिल्कुल ऐड कीजिएगा इसे और रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना डाइट प्लान बताऊँ, जो मैं अभी डाइट प्लान कर रही हूँ, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। जितने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स लिखेंगे, बिल्कुल अपना जो है डाइट प्लान बताऊँगी, रूटीन बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक बटन को हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी जो है इस डाइट का लाभ उठा पाए। तो वो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले ही वीडियो में ऐसे ही किसी टेस्टी हेल्दी क्विक और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।